अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। सऊदी अरब से वायरल इस वीडियो में बुर्का पहनी ये औरत जनरल स्टोर पर सामान खरीदने के लिए आई, लेकिन आगे जो इसके साथ हुआ वो आप इस पूरी वीडियो में देखिए। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हिजाब पहने एक खातून स्टोर पर आती है और सामान खरीद रही होती है। इस वीडियो को देख कर आप हैरान हो जाएंगे। स्टोर पर खड़ी इस खातून को स्टोर कीपर बड़े गौर से देखता है, फिर अचानक इस खातून का नकाब आप चेहरे से हटाता है। आगे जो स्टोर कीपर ने इस औरत के साथ किया वो इस पूरी वीडियो में देखिए। नाज़रीन, सऊदी अरब से ये वीडियो उस वक्त वायरल हुआ जब एक बुर्का पहने खातून स्टोर के अंदर दाखिल होती है और कुछ चीजें खरीदने के लिए स्टोर के अंदर खड़ी होती है। इस खातून और स्टोर कीपर की वीडियो दूर खड़ा शख्स अपने मोबाइल के कैमरे के साथ बना लेता है। स्टोर कीपर को इस बात का बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होता की कोई उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये खातून स्टोर में कुछ शॉपिंग करने के बाद काउंटर पर बिल बनवाने के लिए जाती है और अपना सामान गिनवा कर बिल ही बनवा रही होती है, लेकिन इस दौरान वीडियो में एक चीज आपने नोट की होगी। काउंटर पर खड़ा ये नौजवान इस खातून को बड़ी गहरी नजरों से देख रहा होता है और इस दौरान इसके साथ बातें भी कर रहा होता है। इस स्टोर कीपर को हिजाब पहनी खातून पर शक हो जाता है और इस स्टोर कीपर के रवैये में बेचैनी और बेताबी नजर आती है, लेकिन इसके सामने जो हकीकत खुलने वाली थी उसका किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर इसे जैसे ही इस बात का यकीन होता है की ये तो वही औरत है जिसने उसे पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि अब वो कुछ कमा सकता है, वो फौरन हाथ बढ़ाकर इस खातून के चेहरे से नकाब हटाता है तो क्या देखता है कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। वो उसको सरप्राइज देने के लिए स्टोर पर आती है। माँ को स्टोर पर देखकर वो काउंटर छोड़ देता है और अपनी माँ के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और रोना शुरू कर देता है। इस वीडियो की असल कहानी ये है की सऊदी अरब में दो भाई एक स्टोर पर इकट्ठे ही काम करते थे, जिनमें से छोटा भाई अक्सर अपनी माँ को याद करके रोता था। बड़े भाई ने एक दिन इसे सरप्राइज देने के लिए माँ को इंडिया से उमरा के लिए सऊदी अरब बुलाया और कहा कि जब छोटा भाई स्टोर पर ड्यूटी पर मौजूद होगा तो तब बुर्का पहनकर वहाँ जाना और शॉपिंग करने का बहाना बनाना कि वो आपको पहचान ना सके। दोस्तों, आपने देखा माँ तो माँ ही होती है, किस तरह इस बेटे ने अपनी माँ को पहचान लिया। नाज़रीन, माँ की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को बंदे से बयान करने के लिए माँ की मोहब्बत को मिसाल बनाया और फरमाया की मैं अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ हमारे लिए एक अजीम नेमत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबकी माओं को लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।